नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिनसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में भी कई जगहों को हॉन्टेड होने के दावे किए जाते हैं। इनमें कई लग्जरी होटल्स भी शामिल हैं। कथित तौर पर इनके हॉन्टेड होने के बावजूद बहुत से लोग यहां एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। इन जगहों पर कुछ लोगों की असमय हुई मौत से ये हॉन्टेड बन गई है। कई लोग यहां अजीब घटनाएं होने का दावा भी कर चुके हैं। आइए जानते हैं भारत के ऐसे ही सात भूतिया होटलों के बारे में। नंबर सात, राज किरण होटल। इस होटल में मौजूद है एक अंधेरों से भरा हॉल, भूतों के साथ दूसरी दुनिया से भी जुड़ा हुआ है यह होटल। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में बसा एक आकर्षक हिल स्टेशन लोनावाला अपनी हरी भरी हरियाली, मनोरम परिदृश्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हालांकि सुंदरता और शांति के बीच यहां एक ऐसी जगह है जो सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी में भी सिहरन पैदा कर देती है। राज किरण होटल लोनावाला का सबसे प्रेतवाधित स्थान। लोनावला के बाहरी इलाके में स्थित राज किरण होटल परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके अंधेरे हॉल और खौफनाक गलियारे रहस्यमयी अतीत की कहानियां सुनाते हैं। यह होटल, जो कभी पर्यटकों और यात्रियों के लिए एक चहल पहल वाला केंद्र था, अब अपने पुराने स्वरूप की छाया मात्र रह गया है, जिसमें टूटी खिड़कियां, उगी हुई झाड़ियां और हवा में बस डर की भावना है। राज किरण होटल का भयावह इतिहास। किंवदंती है कि राज किरण होटल कभी एक संपन्न जगह थी जो अपनी शानदार सुविधाओं और त्रुटिहीन सेवा के लिए जाना जाता था। हालांकि यहां हुई कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के चलते, जिसमें आग लगना भी शामिल है, जिसमें कई मेहमानों और कर्मचारियों की जान चली गई थी, जो होटल के पतन का कारण बनी। तब से इस इमारत में अपसामान्य गतिविधि की अनगिनत रिपोर्टें आई हैं, जिसमें आगंतुकों ने भूतिया आकृतियां देखने, अजीब आवाजें सुनने और एक अकल्पनीय भय महसूस करने का दावा किया है। अंधेरे हॉल की खोज। अपनी भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद रोमांच चाहने वाले और अलौकिक उत्साही लोग दूसरी दुनिया की खोज में राज किरण होटल में आते हैं। जो बहादुर लोग इसके अंधेरे हॉल में प्रवेश करने की हिम्मत करती हैं, उन्हें बेचैनी और निगरानी की भावना का सामना करना पड़ता है। गलियारे, जो कभी हंसी और बकबक से भरे होते थे, अब अतीत की फुसफुसाहट से गूंजते हैं। होटल के भूल भुलैया नुमा लेआउट में घूमते हुए आपको खराब होते फर्नीचर, उखड़ते वॉलपेपर और उस जीवन के चिन्ह दिखाई दे सकते हैं जो कभी इसकी दीवारों के भीतर पनपता था। माहौल दुख और नुकसान की भावना से भरा हुआ है, जैसे कि होटल के पूर्व निवासियों की आत्माएं अभी भी भटक रही हों, जिन्हें शांति नहीं मिल पा रही हो। इस होटल में रुक चुके लोग इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार वहां ठहरने वाले लोग आधी रात बेवजह को बाहर टहलते दिखाई पड़ते थे। यहां ठहरने वाले लोगों का कहना था कि जब वे बाहर टहल रहे होते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी नजर आती थी। इस नीली रोशनी को दूसरी दुनिया से जोड़ा जाता है। वहीं कई लोगों का कहना है कि सोते वक्त कोई उनके बेड पर से चादर या बेडशीट खींच लेता है। ऐसे ही न जाने कितनी सारी डरावनी घटनाएं अक्सर ही यहां से सुनने को मिलती रहती हैं। नंबर छह, मॉर्गन हाउस टूरिस्ट लॉज। इसमें रहती है एक ब्रिटिश उद्योगपति की पत्नी का भूत, जाने पूरी कहानी। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल के एक छोटे से हिल स्टेशन कालिम्पोंग में स्थित है, जो जॉर्ज मॉर्गन द्वारा सन 1930 में बनवाया गया था, जिसकी वर्तमान में देखरेख पश्चिम बंगाल के पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है। यह प्रॉपर्टी कभी सिंगमारी टूरिस्ट लॉज या डर्पिन टूरिस्ट लॉज के नाम से भी जानी जाती थी। मॉर्गन एक खूबसूरत ऐतिहासिक भवन है जो डर्पिन पहाड़ पर लगभग 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। कालिम्पोंग यहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। आगे जानिए मॉर्गन हाउस से जुड़ी दिलचस्प बातें। मॉर्गन हाउस की कहानी। मॉर्गन हाउस का रहस्यमयी इतिहास यहां कभी रहने वाले एक ब्रिटिश उद्योगपति से जुड़ा है।
वो यहाँ की पहाड़ी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ एक भवन बनाने की सोची। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे अनजाने में अपने साथ साथ अपनी पत्नी के भी अंतिम दिनों को आमंत्रित कर रहा है। यह भवन बहुत समय तक बड़ी बड़ी पार्टियों की मेजबानी कर चुका है। यहाँ कलाकार से लेकर बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं, गुजरा कई हाथों से होकर। जॉर्ज मॉर्गन और उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत के बाद यह भवन ट्रस्टी के देखरेख में चला गया, क्योंकि मॉर्गन का कोई वारिस नहीं था। ट्रस्टी के बाद से यह भवन भारत सरकार के अंतर्गत आ गया, जिसके बाद इस भवन का सफर भारत के पर्यटन विभाग के अंतर्गत जारी रहा और अंत में यह पश्चिम बंगाल की पर्यटन विभाग की देखरेख में आ गया। एक भुतिया जगह में हो गया तब्दील। मॉर्गन हाउस की डरावनी कहानी शुरू होती है जॉर्ज मॉर्गन की पत्नी लेडी मॉर्गन की रहस्यमयी मौत के बाद, जिसके बाद मॉर्गन की भी मृत्यु हो गई। इस बात का अब तक कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता कि लेडी मॉर्गन की मौत कैसे हुई थी। माना जाता है कि आज भी लेडी मॉर्गन की आत्मा इस भवन में भटकती है। यहां ठहरने आए बहुत से सैलानी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि यहां रात में अजीबोगरीब आवाजें और डरावने अनुभव होते हैं। अगर आप थोड़ा रहस्य के साथ रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो यहां एक रात जरूर रुकें। नंबर 5, होटल सवॉय। बेहद डरावनी है मसूरी के सवॉय होटल की कहानी। यहां आत्माएं करती हैं स्वागत। देहरादून के पास स्थित मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, गढ़वाल के पास पहाड़ों के बीच बसी ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसे पर्यटक लाखों की तादाद में देखने के लिए आते हैं। केवल हमारे ही देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट यहाँ के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने आते हैं और यहाँ के मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाने के लिए काफ़ी भीड़ भी उमड़ती है। जो लोग घर परिवार से दूर कहीं खुद के साथ अकेला वक्त गुजारना चाहते हैं, वो ज़रूर इस जगह को अपनी घूमने की लिस्ट में शामिल करते हैं। लेकिन इन सबसे हटके अलग है यहाँ की सवॉय होटल की कहानी, जिसको भारत के सबसे डरावने होटल्स में गिना जाता है। सवॉय होटल 11 एकड़ में बना हुआ एक बेहद आलिशान होटल है, जिसे 1902 में बनाया गया था। 21 कमरों वाला ये होटल किसी राजसी महल से कम नहीं नजर आता है। जहां पहले कभी आलिशान पार्टीज हुआ करती थीं, वहां अब खामोशी के अलावा अब कुछ नहीं बचा। तो इस होटल में आखिर हुआ क्या था? इस होटल के बारे में लोग बताते हैं कि होटल सवॉय 19वीं शताब्दी का एक मसूरी नाम का स्कूल था। बाद में स्कूल का नाम बदलकर मेडॉक स्कूल रखा गया। इसकी इमारत बड़ी ही जर्जर हो चुकी थी। इसके बाद इंग्लैंड से आए लखनऊ के सेसिल डी लिंकन नामक एक बैरिस्टर ने इसे 1890 में खरीद लिया और 12 साल इस पर बहुत मेहनत की। इतने वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद साल 1902 में यह होटल बनकर तैयार हो गया, जो देखने में किसी विदेशी महल से कम नहीं था। होटल की भूतिया कहानी का राज। इलाके के सबसे पुराने इस होटल में 1910 में एक लेडी मेहमान बनकर आई, जिसका नाम था लेडी गार्नेट ऑनरमे। अगले दिन वह जिस कमरे में ठहरी हुई थी, उसमें कुछ दिन बाद मृत पाई गई। लोगों का कहना है कि लेडी गार्नेट की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी साजिश थी। दरअसल उनकी दवा में एक सबसे खतरनाक जहर मिलाया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बताया तो ये भी जाता है कि लेडी के मरने के कुछ ही दिन बाद उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और एक पेंटर जो लेडी के लिए पेंट करता था, उन दोनों की भी लाश रहस्यमय रूप में उसी होटल में पाई गई। इसके बाद यहां ठहरने वालों के साथ कोई न कोई अजीबोगरीब बातें होने लगी और लोगों ने यहां आना कम कर दिया। लोगों का कहना था कि यहां आत्माओं का वास है, जो अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं। भले ही होटल सवॉय को कई खरीददारों, फिल्म निर्माताओं और बड़े से बड़े बिजनेसमैन ने खरीदा, लेकिन कोई भी इसे आबाद नहीं कर पाया। वारदात की शुरुआत लेडी ओनरमे के कत्ल से हुई, लेकिन धीरे धीरे बात भटकती हुई रूहों पर पहुंच गई। यही वजह थी कि होटल सवॉय की बर्बादी हो गई और एक दिन ऐसा भी आया कि ये होटल पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज भी आती हैं आवाजें, आज भी इस होटल के आसपास लोगों को कोई न कोई हलचल दिख ही जाती है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज भी उस लेडी की आत्मा अपने कातिल को ढूंढ रही है।
इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 4, होटल लेकव्यू। अगर आपको सच में डर का एहसास करना है तो आप इस होटल में जा सकते हैं। ये होटल ऊटी में स्थित है। इस होटल में बहुत ज्यादा भूतों की गतिविधियां हमेशा देखी जाती है। इस होटल को लेकर भी दो पक्ष हैं। कुछ लोग इस बात के समर्थन में है कि यह होटल भूतिया है और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस होटल की मार्केट खराब करने के लिए इसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। हालांकि अगर आप भूतों को अलग रख के बात करें तो ये होटल काफी सुंदर और लग्जरी है। नंबर 3, ट्राइडेंट होटल। मुंबई का यह होटल है। इतना ज्यादा डरावना के लिफ्ट अपने आप बदल देती है फ्लोर। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित ट्राइडेंट होटल भूतों का गढ़ माना जाता है। यहां आने के बाद आपको तब शॉक लगेगा जब लिफ्ट आपको 13वें फ्लोर को स्किप करके सीधे 14वें फ्लोर पर पहुंचाएगा। उससे भी आश्चर्य की बात है कि इस होटल में 13वां फ्लोर है ही नहीं। होटल में अक्सर लोग असाधारण आवाज और अजीब गतिविधियां महसूस करते हैं। नंबर 2, फर्न हिल होटल। ऊटी के इस होटल में दफन है गहरे राज। डर गए थे बॉलीवुड के एक्टर्स भी यहां। फर्न हिल होटल का इतिहास। इस महल का निर्माण वर्ष 1844 में हुआ था। इसे उस समय मैसूर के महाराजा के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। यह संपत्ति 50 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और महल के चारों ओर हरियाली है जो इसे और अधिक प्रकृति केंद्रित रूप देती है। महल की वास्तुकला स्विस कॉटेज शैली का अनुसरण करती है। बाद में 1860 के दशक में संपत्ति किसी और को सौंप दी गई और इसे बहुत ही कम समय के लिए मूनसामी नाम दिया गया। यह हिल स्टेशन का सबसे पहला क्लब भी था। ब्रिटिश राज के दौरान ऊटी की प्रसिद्धि बढ़ी और यह पूरे देश के लोगों का केंद्र बन गया, खास तौर पर कुलीन वर्ग के लोगों का। यह महल ऊटी आने वाले लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। ऊटी के फर्न हिल की प्रेतवाधित कहानी। होटल को कई असाधारण गतिविधियों के कारण काफी समय तक बंद रखा गया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था जो फर्न हिल होटल को भूतियां बनाता है। लोगों को बस यही पता है कि ये भूतियां हैं और एक लड़की के साथ यहां बहुत बुरा हुआ था। पहली बार ये बात तब सामने आई थी जब बिपाशा बसु अभिनीत की बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग यहां हो रही थी। यहां हुई कुछ घटनाएं तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ घटनाएं आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। कुछ घटनाएं तो कई प्रमुख पत्रिकाओं और अखबारों में भी दर्ज की गईं। एक रात जब सरोज खान अपनी मंडली के साथ देर रात होटल में आराम करने गईं, वे पूरी रात सो नहीं पाईं क्योंकि कोई उनके ऊपर की मंजिल पर फर्नीचर शिफ्ट करने और व्यवस्थित करने में लगा था। मंडली निराश हो गई क्योंकि उन्हें सुबह सुबह शूटिंग करनी थी। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। अंत में कोई व्यक्ति शिकायत करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास गया और रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें दिखाया कि उनके ऊपर कोई मंजिल नहीं है। इस घटना ने सभी को पागल कर दिया। फिल्म राज की टीम के साथ एक और अजीबोगरीब घटना घटी। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो टीम ने बैकग्राउंड में एक लड़की को गाते हुए सुना, लेकिन शॉट लेते समय वह लड़की वहां मौजूद नहीं थी। इससे जुड़े कुछ ये ऐसे किस्से हैं जो आज भी लोगों को डरा देते हैं। नंबर 1, ब्रिज भवन होटल। भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है राजस्थान का ब्रिज भवन होटल। इतिहास जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे। ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठाते हुए हिंदुओं के मंदिर के बाहर गोमांस और मस्जिद के सामने सुअर का मांस फेंकवा देती थी। इससे हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई बढ़ जाती थी, जिसका फायदा ब्रिटिश सरकार को मिलता था। हालांकि 1857 में भारतीय सैनिकों के बीच ये अफवाह फैली कि उनकी बंदूकों में गोमांस और सुअर के मीट का इस्तेमाल होता है।
इससे सेना भड़क गई और उन्होंने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। कहा जाता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके दो जुड़वां बच्चे ब्रिज भवन में रहा करते थे। विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है, उनकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा। महारानी के मुताबिक मेजर की आत्मा ने उनको कभी भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है। यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।